हेलो गाइस, मैं शिवानी धीमान सफायर शिक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैंने ये सब वीडियो में बताए हुए हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जो महात्मा गांधी का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ TGT सोशल साइंस के लिए बल्कि और भी एग्ज़ाम्स SSC CGL उनके लिए भी महात्मा गांधी का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं, महात्मा गांधी जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रियल नेम ऑफ गांधी जी, गांधी जी का रियल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ज़्यादातर उन्हें गांधी जी या महात्मा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन उनका जो असली नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी उनके फादर का नाम था और मोहनदास उनका नाम था, तो इनका दोनों का नाम मिलके मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। नेक्स्ट आ जाता है बर्थडे ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, और गुजरात में पोरबंदर जगह है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को हर साल हम उनको उनका बर्थडे जो है वो गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। हु वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु, उनके पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन डिड गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका गांधी जी कब गए थे? तो वो 1893 में साउथ अफ्रीका में गए थे। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर इज द समाधि स्थल ऑफ गांधी जी? समाधि स्थल गांधी जी का कहाँ पर है? राजघाट में है, जो दिल्ली में है वहाँ पर उनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट आ जाता है, विच रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज गांधी जी थ्रोन फ्रॉम? कौन से साउथ अफ्रीका के कौन से रेलवे स्टेशन से उन्हें गांधी जी को थ्रो किया था, फेंक दिया था? तो वो था पीटर मेरिट्सबर्ग से, ये स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन जो साउथ अफ्रीका में है वहाँ से उनको थ्रो कर दिया था, बाहर फेंक दिया था, क्योंकि वो जनरल सीट में बैठ गए थे, जनरल कोच में, जहाँ पर सिर्फ जो वाइट पीपल थे उनको ही बैठना अलाउड था। नेक्स्ट आ जाता है, लिटरेरी वर्क ऑफ गांधी जी, गांधी जी के लिटरेरी वर्क कौन कौन से हैं, कौन कौन से चीज़ें उन्होंने लिखी हैं? तो वो है हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने 1927 में लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है हरिजन, हरिजन भी उन्होंने 1931 तक उन्होंने हरिजन बुक लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है, अदर नेम ऑफ गांधी जी विच वॉज गिवन बाय वेरियस पीपल, गांधी जी के और क्या क्या नाम है जो लोगों ने दिए हुए हैं या उपाधियां दी हुई है लोगों ने? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है महात्मा। महात्मा जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें कहा था और ये उपाधि उनको दी थी, महात्मा की उपाधि, तो ये इम्पॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा था, उनको उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, इंडियन फ़कीर और अर्धनगन फ़कीर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विंस्टन चर्चिल ने उन्हें कहा था अर्धनगन फ़कीर। नेक्स्ट आ जाता है, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वॉज गांधी जी केम टू इंडिया, गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को वो पहली बार भारत आए, तो प्रवासी दिवस के रूप में वो मनाया जाता है, NRI डे के रूप में, और हर साल इस दिन को याद रखने के लिए कि गांधी जी कब भारत लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को वो लौटे थे, तो हर 9 जनवरी से 11 जनवरी हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, NRI डे के रूप में मनाया जाता है, इसे याद रखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी जी इन इंडिया, इंडिया में उन्होंने पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि इंडिगो यानी कि नील की खेती के खिलाफ था 1917 में। तो आप ये इम्पॉर्टेंट है कि उनका फर्स्ट सत्याग्रह जो था इंडिया में वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, और नील की खेती के लिए था, नील की खेती के खिलाफ जो ये आंदोलन था, और चंपारण जो जगह है वो बिहार में है। नेक्स्ट आ जाता है, हु टोल्ड द गांधी जी अबाउट द कंडीशन ऑफ चंपारण, चंपारण की कंडीशन के बारे में गांधी जी को किसने बताया था? तो राजकुमार शुक्ला ने उन्हें इस कंडीशन के बारे में बताया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, आपको ये अच्छे से याद रखना है कि राजकुमार शुक्ला थे जो, उन्होंने गांधी जी को चंपारण की कंडीशन के बारे में बताया था कि चंपारण में किस तरह लोगों से नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो भूमि है वो इनफर्टाइल होती जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है इनका दूसरा सत्याग्रह है ये, इन 1918 जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, जो महात्मा गांधी ने ये आंदोलन जो किया था वो डिस्प्यूट था किसके बीच में, वर्कर्स और जो मिल ऑनर था उसके बीच में ये डिस्प्यूट था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी। और जो इसमें मांग थी वो थी कि जो वर्कर्स के वेजेस हैं, जो उनकी दिहाड़ियां हैं, वो 35% इंक्रीज कर दी जाए। तो ये पहली भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी जी की, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है खेड़ा सत्याग्रह इन 1918। थर्ड सत्याग्रह उनका था खेड़ा सत्याग्रह, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था, खेड़ा एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर जो किसान थे उनकी जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें लैंड रेवेन्यू जो भूमि कर था वो देना पड़ता था, और अगर वो नहीं देते थे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी या उन पर कर्जा चढ़ा देते थे। तो जो ये कर था वो बहुत ज़्यादा था, तो इसके खिलाफ जो गांधी जी थे उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। नेक्स्ट जो उनका सत्याग्रह था वो था 1920 में, अगस्त 1920। ये बहुत बड़ा सत्याग्रह था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से ये जाना जाता है, और इसे वापस ले लिया था 1922 में गांधी जी ने। लेकिन ये शुरू क्यों किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये रफली आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें इस टॉपिक के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, एक तो सबसे पहले ये क्यों किया था, रॉलेट एक्ट की वजह से। जो रॉलेट एक्ट का था उसके थ्रू क्या था कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना कार्रवाई के जेल में डाल सकते थे वो अंग्रेज। तो ये था रॉलेट एक्ट कि बिना कोई कार्रवाई नहीं होती थी और संदेह के आधार पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और सजा सुना दी जाती थी। तो ये रॉलेट एक्ट था। और दूसरा था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि उसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। इस वजह से उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, और जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो अहिंसा के बेस पे था। लेकिन 1922 में चौरा चौरी की घटना हो गई, जिसमें जो पुलिस स्टेशन था वो जला दिया गया। चौरा चौरी में पुलिस स्टेशन था, उसे जला उसमें आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से बहुत से जो पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल गए थे। तो इसमें हिंसा हो गई थी, तो इस हिंसा की वजह से गांधी जी ने 1922 में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड गांधी जी रिटर्न। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान किस अवार्ड को या किस उपाधि को वापस कर दिया था, तो वो केसरे हिंद की उपाधि थी जिसे उन्होंने वापस कर दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु गिव अवार्ड ऑफ केसरे हिंद टू गांधी जी। केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को, तो 1915 में लॉर्ड हेडिंग जो थे उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि जो थी वो गांधी जी को दी थी। क्यों दी थी, कंट्रीब्यूशन इन एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस सर्विस के लिए जो कंट्रीब्यूशन था उनका गांधी जी का, उसके लिए उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी थी। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, अपनी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करी, उसके लिए उन्हें केसरे हिंद दिया था। और जो उन्होंने 1920 में वापस कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है, हु वाज द ऑथर ऑफ गांधी जीज फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए। जो ये भजन था उनका, गांधी जी का फेवरेट भजन था वैष्णव जन, तो ये किसने लिखा था, ये नरसिम मेहता ने लिखा था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, तो हो सकता है आगे भी एग्जाम्स में पूछा जाए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, अक्टूबर 2 गांधी जीज बर्थडे इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज
गांधी जी के बर्थडे को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ये नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट आ जाता है, एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड गांधी जी प्रिसाइड एज अ प्रेजिडेंट? कौन से ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में के सेशन में गांधी जी जो थे वो प्रेजिडेंट थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बेलगांव में ही वो एक पहली बार ही वो गांधी जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1924 में। नेक्स्ट आ जाता है, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो था वो अटेंड किया था? तो वो सेकेंड अटेंड किया था उन्होंने 5 मार्च 1931 को। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उसी किसने अटेंड किया था? तो बी आर अम्बेडकर थे, तो उन्होंने तीनों ही जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे वो अटेंड किए थे, और जो गांधी जी थे उन्होंने सिर्फ सेकेंड ही अटेंड किया था। नेक्स्ट आता है, विच लेडी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी? गांधी जी के साथ में सॉल्ट सत्याग्रह के मूवमेंट के दौरान किसने नेतृत्व किया था, किस लेडी ने किया था, उनका साथ दिया था? तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच मोमेंट महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? कौन से ऐसा मोमेंट था जिसमें महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को अपना हथियार बनाया था फर्स्ट टाइम? तो वो थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी क्या, उसमें 35% वेजेस बढ़ाने के लिए ये स्ट्राइक की थी वर्कर्स की। नेक्स्ट आ जाता है, डांडी मार्च। डांडी मार्च 1930 वाज अगेंस्ट, डांडी मार्च 1930 में जो डांडी मार्च हुआ था वो किसके खिलाफ था? इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, जो सॉल्ट पर, नमक पर टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, ये उसके खिलाफ था। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन डिड गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई? करो और मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में 1942 को गांधी जी ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय गांधी जी, कौन से न्यूज़पेपर गांधी जी ने पब्लिश किए थे? तो सबसे पहले इसमें हरिजन जो 1933 में किया था। नेक्स्ट आ जाता है, यंग इंडिया, ये 1918 में किया था, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट आ जाता है, नवजीवन साप्ताहिक, साप्ताहिक ये सप्ताह में एक ही बार आती थी और ये बंगाली भाषा में थी, ये भी आपको याद रखना है कौन सी भाषा में थी, बंगाली में थी नवजीवन साप्ताहिक, और जो यंग इंडिया थी वो इंग्लिश में थी। नेक्स्ट आ जाता है, हु फाउंडेड द साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी 1917 में। नेक्स्ट है, टू हुम वाज गांधी जी कॉल्ड पोस्टेटेड चेक? पोस्टेटेड चेक था वो गांधी जी ने किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट आ जाता है, वेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन जो पैक्ट था वो कब साइन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसी के बाद जो गांधी जी थे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भाग लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है गांधी इरविन के बारे में, ये पैक्ट के बारे में। हु सेट द रियल सीट ऑफ टेस्ट वॉज नॉट बाय टंग बट बाय माइंड? ये जो कोटेशन थी वो किसने कही थी, वो महात्मा गांधी ने कही थी। नेक्स्ट आता है, हु सेड ट्रुथ इज अल्टीमेट पावर एंड इट्स गॉड? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोटेशंस के ऊपर कि ये कोटेशन किसने कही थी, तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों कोटेशन जो थी वो महात्मा गांधी ने ही कहा था। नेक्स्ट आ जाता है, टू विच रिलीजियस टेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड इट हिज मदर? कौन से रिलीजियस टेक्स्ट को जो गांधी जी थे वो अपनी माता के रूप में मानते थे, वो थी भगवत गीता। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी? गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे वो महादेव देसाई थे, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये आप महादेव देसाई जो थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है, लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑन गांधी जी, कौन से साहित्य से जो गांधी जी थे वो इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे? तो इसमें आ जाता है, जॉन रस्किन्स अनटू हिज लास्ट, इससे भी प्रभावित थे। नेक्स्ट एमर्सन, थोरो, इनकी जो लिटरेरी वर्क था उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट
लियो टॉल्स्टॉय इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, गांधी जी इनके जो लिटरेरी वर्क था उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट द बाइबल एंड द गीता। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए लिटरेरी इन्फ्लुएंस जो किससे आप किससे गांधी जी इन्फ्लुएंस थे, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो लियो टॉल्स्टॉय का ही नाम आता है। तो अगर उसमें ऑप्शन में सिर्फ लियो टॉल्स्टॉय दिया हो या ये सारे ऑप्शंस दिए हो तो लियो टॉल्स्टॉय को ही आपने टिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1906 इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल। तो सबसे पहला जो इंडिया में जो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किया था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। लेकिन जो उनका लाइफ का जो पहला मूवमेंट उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, जो सत्याग्रह चलाया था उन्होंने, वो 1906 में था, 1906 में था, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में चलाया था। वो किसके खिलाफ था? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ था, ट्रांसवाल में। नेक्स्ट आ जाता है इन 1907 द सत्याग्रह अगेंस्ट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासिस फॉर एशियंस। एशियंस के लिए जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और पासिस होते थे उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था 1907 में। ये उनकी लाइफ का दूसरा सत्याग्रह था, ये भी उन्होंने ट्रांसवाल में ही किया था। नेक्स्ट आ जाता है इन 1908 गांधी जी इम्प्रिजनमेंट फर्स्ट टाइम इन जोहान्सबर्ग जेल। 1908 में फर्स्ट टाइम जब गांधी जी जेल गए थे तो वो जोहान्सबर्ग जेल ही था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर वो सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है इन 1910 ही फाउंडेड टॉल्स्टॉय फार्म नियर जॉन्सबर्ग, लेटर इट कॉल्ड एज गांधी आश्रम। 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय लियो टॉल्स्टॉय के नाम से उन्होंने ये फार्म बनाया था, क्योंकि वो टॉल्स्टॉय की जो लिटरेरी वर्क था उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने टॉल्स्टॉय के नाम से ही फार्म बना दिया था। एक जॉन्सबर्ग के पास में था ये, लेकिन बाद में इसे गांधी आश्रम का नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट आता है वेयर वाज गांधी जी इम्प्रिजेंट आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट पास्ड। जब क्विट इंडिया मूवमेंट पास हो गया था तो गांधी जी को कहाँ जेल में कहाँ इम्प्रिजेंट किया गया था? वो आगा खां पैलेस था पुणे में, वहाँ पर उनको कैद किया गया था ताकि वो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना कर सकें और ये क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो जाए, इस वजह से उन्होंने उन्हें कैद कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। लेकिन ये क्विट इंडिया मूवमेंट उनके बिना भी चला और अच्छे से चला ये क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाता है विच फॉरेन जर्नलिस्ट डिड गांधी जी कीप विद हिम एट साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च। दांडी मार्च के दौरान में कौन सा ऐसा फॉरेन जर्नलिस्ट था जिसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम में रखा था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो वेब मिलर था, ये जर्नलिस्ट थे फॉरेन जर्नलिस्ट जिन्हें साबरमती आश्रम में उन्होंने रखा था डांडी मार्च के दौरान। नेक्स्ट आता है व्हेन वाज गांधी जी डाइड। गांधी जी की डेथ कब हुई थी? तो 30 जनवरी को हुई थी 1948 को। तो आज़ादी के 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और थोड़े टाइम बाद ही 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी। नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। तो नेक्स्ट इस डे को जो था वो मार्टिर्स डे के रूप में मनाया जाता है, हर साल 30 जनवरी को मार्टिर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी से रिलेटेड 3 डेज मनाए जाते हैं। सबसे पहले गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 30 जनवरी को मार्टिर्स डे, और 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में एनआरआई डे प्रवासी दिवस, जब वो इंडिया वापस आए थे, भारत में वापस लौटे थे, उस डे के लिए मनाया जाता है। तो ये तो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो गांधी जी के बारे में थे। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी डिटेल में जितने भी उन्होंने मोमेंट्स चलाए थे उनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे और इससे रिलेटेड, तो लाइक कीजिए। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट कीजिए। और सफ़ायर शिक्षा को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि आपको पता है मैं TGT सोशल साइंस की तैयारी आपको करवा रही हूँ, कुछ टॉपिक्स जो थे वो मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ा दिए हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी था, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन के बारे में ये टॉपिक था। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं।
और आप सफ़ायर शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, कोई भी ऐसी वीडियो ना रहे जो आप ना देख सकें। तो धन्यवाद।